तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको बताने वाले हैं पीएम किसान बीज खाद योजना के बारे में। आपको यहाँ पर एक बार आप भी आपके किसानी करते हो या फिर आपके घर में कोई किसान है, आपके आस पड़ोस में किसान है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से योजना के तहत आपको यहाँ पर बीज और खाद के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर 11,000 रुपये की यहाँ पर आपको सहायता राशि सब्सिडी के यहाँ पर रूप में आपको यहाँ पर सहायता राशि जो है सरकार की तरफ से प्रदान करने वाली है। बस आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। इस यहाँ पर जो भी सरकारी वैकेंसी सरकारी योजनाएं होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, और यहाँ पर वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट जॉब से वैकेंसी होती है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आपको योजनाएँ कुछ भी हो आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको भी योजनाएं का सही टाइम पे आपको पता चल सके और आप यही योजना का लाभ उठा सके या कोई भी योजना का आप लाभ उठा सके। तो यहाँ पर बात करेंगे आज की वीडियो में पीएम किसान यहाँ पर किसान खाद बीज योजना के बारे में, जिसके तहत किसानों को यहाँ पर 11,000 रुपये तक की यहाँ पर मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली बात करते हैं। देश में 26 छोटे बड़े किसान हैं जो भी कृषि करते हैं। सीमांकन आजकल यहाँ पर आवश्यक रूप से यहाँ पर बीज खाद यहाँ पर देश उर्वरक आदि रूप से यहाँ पर वित्तीय सहायता के रूप में सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर सब्सिडी के रूप में यहाँ पर जो है वो आपको पीएम किसान खाद बीज योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आपको खाद केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर 11,000 रुपये की वित्तीय सहायता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यदि राशि दो किस्तों में आपको इस राशि दो किस्तों में 6 महीने के अंतराल में आपको दी जाएगी। पहली किस्त 6,000, जबकि यहाँ पर दूसरी किस्त बात करें तो यहाँ पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से यहाँ पर योजना के लिए पात्र किसानों को यहाँ पर फसल लागत के तहत राहत देने के लिए 50% की सब्सिडी भी रूप प्रदान की जाती है। जो भी लाभार्थी यहाँ पर दे सकते हैं किसानों के लिए बैंक खाते में उसके डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर कुछ जानकारी आपको बेसिक जानकारी देते हैं जब पीएम किसान खाद योजना के बारे में। तो यहाँ पर दे सकते हैं किसान योजना के तहत मुख्य उद्देश्य किसानों को यहाँ पर उर्वरक बीज खाद बीज के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराना है। उसके बाद यहाँ पर ताकि वे अपने खाद में यहाँ पर कृषि उत्पाद कर सके, लागत बढ़ा सके और यहाँ पर जो अपने है विकास कर सके, इस माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं पीएम किसान खाद योजना के तहत किसानों को भाइयों को उर्वरक जैसे खाद। उसके बाद यहाँ पर दिशा आपको मिलने वाली है पीएम किसान खाद योजना के तहत उर्वरक खाद लगातार भारी छूट मिलती है, जिसमें यहाँ पर खेती की लागत यहाँ पर कम होती है और यहाँ पर अधिक आपको यहाँ आमदनी होने वाली है और आप इस योजना का लाभ उठा के यहाँ पर सरकार के यहाँ पर अपना जो आमदनी बढ़ा सकते हैं। कुछ यहाँ पर पात्रताएं रखी गई है, सभी का भारतीय यहाँ पर मूल निवासी होना चाहिए। आप भारत के रहने वाले हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी बिना यहाँ पर किसी प्रकार के आपको यहाँ पर कुछ पात्रता नहीं है। पर भारत के निवास हो आपके यहाँ पर जो योजना का लाभ लेने के लिए आपको छोटे और सीमांकन किसान के लिए बनाई गई है योजना जो है छोटे हो और सीमांकन किसान है। योजना के आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी की आयु कम से कम 18 वर्ष की होना चाहिए। 18 वर्ष जो है आपको कम से कम आयु आपका होना चाहिए 18 वर्ष, और जो आपके वार्षिक आय होना चाहिए वो 4,00,000 रुपये से कम होना चाहिए। इस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका सरकारी योजना के लिए आवेदन करने का कुछ यहाँ पर दस्तावेज हैं सॉरी यहाँ पर आपको यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले उम्मीदवार किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही आपका पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका राशन कार्ड जो है लगने वाला है, खेत से संबंधित दस्तावेज जो खसरा बोलते हैं उसको, बैंक खाता का पासबुक, इतने आपको डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। चालू नंबर इसमें आपको इस तरह से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद पीएम किसान के लिए आपको लाभ लेने के लिए कुछ अब जानकारी देते हैं। पीएम किसान खाद योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम कीमत पर खाद्य उर्वरक जो उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कृषि उत्पादन के लिए कम हो और यहां पर आर्थिक रूप से आप किसानों का विकास हो सके। योजना में पात्र किसानों को उर्वरक को खाद के लिए 50% की सब्सिडी लाभ यहाँ पर दिया जाता है। बैंक में खाते सीधे आपको खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 11,000 रुपये जो वित्तीय सहायता है वो किस्तों के माध्यम से जो किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना के लिए आपको दो किस्त, पहला किस्त 6,000, दूसरा किस्त आपका 5,000। आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन करना है तो पीएम किसान योजना के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर खाद के लिए आपको आवेदन करने के लिए पीएम किसान योजना के अधिकारी से जो पहले के आपको दिख सकते हैं, इसके अधिकारी से आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो है इसका अधिकारी से वहीं पर आपको जाना होगा। उसका DBT यहाँ पर स्कीम उस पर विकल्प मिलेगा, उसको तो क्लिक करते ही आके नया पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद DBT लिस्ट में दिखाई देगा, फर्नीचर फर्टिलाइज DBT स्कीम पर आपको विकल्प मिलेगा, उस पर आपको किसान खाद के लिए ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म खुल जाएगा। मांगी गई सभी जानकारी को भर के मोबाइल नंबर 10 के आपको दर्ज करना, सॉरी कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल आपको पढ़ के आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके इस तरह से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहते हो तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। आपसे आवेदन नहीं होता तो किसी ऑनलाइन सेंटर से आप संपर्क करके इसमें आवेदन कर सकते हैं।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।